बहुजन समाजवादी पार्टी ने रविवार को 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में बसपा ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसमें सहारनपुर सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन के इमरान मसूद के सामने माजिद अली को उतारा गया है। कैराना लोकसभा सीट इकरा हसन के सामने श्रीपाल सिंह होंगे। मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह मैदान में होंगे। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को बसपा से टिकट मिला है। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर सीट से जिशान खान चुनाव लड़ेंगे। संभल लोकसभा सीट से शौलत अली को उतारा गया है। यह शफीकुर रहमान बर्क के उत्तराधिकारी जियाउर रहमान को टक्कर देंगे। अमरोहा लोकसभा सीट से बसपा ने मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनका मुकाबला भाजपा के कंवर सिंह तवर और सपा कांग्रेस गठबंधन के दानिश अली से होगा। सहारनपुर सीट से माजिद अली, कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह, नगीना एसी सीट से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खान, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, शाहपुरा एससी से डॉक्टर दादेराम वर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।